तो गाइज इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ अभी सीट कवर नहीं आए हैं हमारे, बाकी कलर भी हम लोग अलग लेने वाले थे लेकिन अभी सेम ही ले लिया है। ये वाली मम्मी पापा की है एंड ये वाली हमारी है। सो ये वाली हमारी है और इसके सीट कवर सभी डालने बाकी हैं। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है फर्स्ट राइड हमारी नई कार पे। हमारी कार में हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट राइड पे एंड चलिए मेरे साथ। लव या सो गाइज मैं इसलिए आप लोगों के साथ ये सब शेयर कर रही हूँ बिकॉज मैं अपनी सारी मूमेंट्स अच्छी वाली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपनी बहुत अच्छी अच्छी मूमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने का। ऐसा एक्चुअली में मैं बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, तो ये तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हमारे घर में अभी कार आई है, वो एक नहीं और दो, एक ही मंथ में आई है। ये उसी की खुशी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आप लोगों को शो ऑफ कर रही हूँ। अच्छे कमेंट्स करना एंड लाइक कर देना अगर ये वीडियो पूरा पसंद आए तो। चलिए चल। तो गाइज मैं अभी निकल रही हूँ, मनीष ड्राइव कर रहे हैं एंड हम लोग बैठे हैं साथ में। हम लोग अभी निकल रहे हैं ना, तो मैं सोच रही थी कि आज आप लोगों को अपने होम टाउन का टूर दे दूँ जहाँ पे मैं रही हूँ, बड़ी हुई हूँ एंड बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स मैं ये सब गलियों में जहाँ घूमी हूँ मैं वो सब आप लोगों को दिखाना चाहती थी। इसीलिए अभी दिखाना चाहती थी क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अभी इंडिया में नहीं है, आउट ऑफ कंट्री है, तो मैं वो सोच रही थी कि चलो उन लोग को भी अभी का माहौल दिखा देते हैं एंड वो लोग भी मिस कर रहे होंगे कि मेरा अभी होम टाउन कैसा दिख रहा है, कैसा सब है वहाँ पे। बहुत लोगों को याद भी आ रही होगी, तो ये उन लोगों के लिए है आज स्पेशल फ्रेंडशिप डे पे मैं उन लोगों के लिए ये अपना टूर शेयर कर रही हूँ। गाइस एंजॉय द वीडियो। और अभी हम लोग जिस रोड पे जा रहे हैं ना वो अमूल डेयरी रोड है, तो वहाँ राइट साइड पे ही अमूल डेयरी है एंड हम लेफ्ट टर्न ले लिए हैं, तो हम इस साइड से पूरे मार्केट तक जा सकते हैं और सीधा भी जा सकते हैं, तो हम लोग ने लेफ्ट टर्न ले लिया है। तो जो जो फेमस चीजें हैं ना, वो फेमस प्लेसेस, उसका मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दूंगी एंड जो मेरे लाइफ से रिलेटेड होगा उसका भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दे दूंगी कि ये क्या है और मतलब मेरे लाइफ से क्या रिलेट करता है। तो ये जो अभी कॉलेज आने वाली है इसकी बाउंड्री वॉल स्टार्ट हो रही है, तो वो कॉलेज का नाम है MB पटेल कॉलेज एंड ये कॉलेज में आई थिंक मैंने 15 दिन कॉलेज गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने BSc स्टार्ट किया था लेकिन फिर नहीं किया, उसके बाद मुझे फार्मेसी में एडमिशन मिल गया। और ये कॉलेज जो है वो मनीष ने यहाँ से बैचलर डिग्री भी अपनी करी थी, मतलब BSc किया था उन्होंने, तो अभी उसके आगे निकल गए हैं हम लोग, तो ये मेन मार्केट की ओर जा रहे हैं हम। तो ये जो आ रहा है ना ये मंदिर, ये बैठक मंदिर है, मतलब जो सात मंदिर है उसमें से एक ये वाला है मंदिर जो वहरे माता ये प्लेस है वहाँ पे है। और इससे आगे जाने से यहाँ पे हमारा जो बस स्टैंड है वो आता है, तो बस स्टैंड के एग्जैक्ट सामने यहाँ पे जो ये गार्डन बना है ना, तो ये गार्डन भी हमारे मेमोरीज बहुत ज्यादा है, मतलब हम लोग बचपन में यहाँ पे खेलने बहुत ज्यादा आते थे एंड यहाँ पे कार चलती थी, कार बहुत सारी कार्स चल रही थी, तो उसमें कॉइन डाल के उसमें बैठते थे हम लोग। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी यादें हैं यहाँ से जुड़ी हुई, तो बड़ा मजा आता है ये गलियों में अगर घूमते हैं ना तो सब याद आ जाता है। और ये गार्डन हम लोग मतलब ऐसे ही जब कुछ होता था, कोई फेस्टिवल होता था तब भी यहाँ पे आते थे हम लोग। और मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स होंगे जो ये सब जानते होंगे, तो प्लीज कमेंट करना अगर आप लोग कभी आए हो इस वाले गार्डन में तो। और अब जो कॉलेज ये है ये आने वाली है, ये वाली कॉलेज, तो इसका नाम है PM पटेल कॉलेज एंड PM पटेल कॉलेज में मनीष ने अपनी मास्टर डिग्री की थी, तो ये वही कॉलेज है एंड यहाँ पे ना विद्यानगर और आनंद में
ये एजुकेशनल हब है यहाँ, तो यहाँ पे बहुत सारा मतलब कॉलेजेस है और यूनिवर्सिटीज, मतलब पूरा सब एक साथ में भी है वो एरिया में भी, मैं आप लोगों को ले जाऊंगी। तो ये जो अभी सर्कल हम लोग ने पूरा किया ना, उसका नाम है टाउन हॉल, और ये पूरा अभी स्टार्ट होने वाला है एवी रोड। ये तो इसको एवी रोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि आनंद और विद्यानगर को ये कनेक्ट करता है रोड, और यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे विद्यानगर की तरफ। और ये आ गए हम विद्यानगर में। तो विद्यानगर में दो अलग अलग प्लेसेस है जिसका नाम है नाना बाजार एंड मोटा बाजार। तो हम अभी जाएंगे सीधा जिस साइड पे यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी जो एसपी यूनिवर्सिटी है ना वो यहाँ पे है, तो वहाँ हम लोग जाएंगे अभी। तो ये हम लोग आ गए हैं विद्यानगर के इस्कॉन टेम्पल पे। तो ये अभी तो बंद ही होगा, लेकिन ऐसे ही मैं खड़ी रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अभी ये नेक्स्ट है, ये है गार्डन, और ये बहुत ही बड़ा गार्डन है विद्यानगर का। एंड ये वाला गार्डन जो है ना, उसकी बाउंड्री इतनी बड़ी है, सब लोग यहाँ से पूरा चलते हैं राउंड, पूरा इतना बड़ा लगता है ना इसका, तो वॉक करते हैं सब लोग इसके अंदर ही। पहले करते थे लेकिन अभी कोरोना की वजह से ये तो बंद है, लेकिन सब लोग वॉक करते हैं उसके बाहर। तो हम लोग उस साइड पे जाएंगे, लेकिन पहले हम जा रहे हैं लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे है एसपी यूनिवर्सिटी, तो मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी पहले, एंड फिर हम लोग वो बाउंड्री से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पूरा गार्डन भी यूनिवर्सिटी। तो ये है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, और यहाँ से ये वाला जो है यूनिवर्सिटी सर्कल बोलते हैं इसको। तो यहाँ से हम लोग टर्न ले लेंगे वापस, और यहाँ से हम लोग जाएंगे वापस उसी गार्डन की ओर। तो ये स्टार्ट हो गई फिर से उसकी बाउंड्री वॉल, और हम लेंगे अभी लेफ्ट। आप लोग देखना कितना बड़ा गार्डन है, मतलब कोई ऐसे ही सिर्फ एक ही चक्कर लगाएगा ना नॉर्मल, हम लोग जैसे जो लोग रोज वॉक नहीं करते हैं, मतलब उतना ज्यादा नहीं होता ना हार्ड वर्क यार रोज का, तो वॉकिंग ऐसा स्पेशली नहीं करते हैं उन लोग के लिए तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। ये पूरा अगर गार्डन से आप हर एक चक्कर लगा लो ना तो आराम से थक जाओगे, इतना बड़ा गार्डन है ये।
तो ये वाला गार्डन ना कभी खाली इतना नहीं होता था, लेकिन अभी देखो बाहर सब लोग घूम रहे हैं, अंदर तो सब एकदम खाली खाली। कोरोना की वजह से यार बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, बहुत गुस्सा आता है कभी कभी, बाहर निकलने को भी नहीं मिलता अच्छे से, और घूमते हैं तो भी टेंशन रहती है कि यार कुछ लग ना जाए ये वो, तो यही सब है अभी, क्या कर सकते हैं। अभी वही वॉल ही चल रही है, बाउंड्री वॉल उसकी, तो आप देखना कितनी बड़ी है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। वैसे इतना ज्यादा आप लोग को अंदाजा भी नहीं आएगा, वैसे मैं आप लोग को ऐसे दिखा रही हूँ तो, लेकिन आप सच में अगर देखोगे तो ज्यादा बड़ी है। और यहाँ पे घूमने का बहुत ज्यादा मजा आता है इवनिंग में, बहुत ज्यादा, पहले तो लोग रहते थे तो अच्छा भी लगता था यहाँ आने में, सब लोग घूमते थे। तो हम लोग इस सब माउंटेन वॉल को छोड़ के फिर लेफ्ट टर्न ले लेंगे, और ये ले लिया हमने लेफ्ट टर्न, तो यहाँ पे जो कॉलेज स्टार्ट हो रही है वो है वीपी साइंस कॉलेज। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स इसमें पढ़ते थे पहले, तो ये वही है वीपी साइंस कॉलेज। एंड फिर हम थोड़ा आगे जाएंगे तो उसी के सामने थोड़ा जस्ट है एनवी पटेल, फिर उसके पीछे है एआर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जिसमें मेरी बहुत सारी मैंने एग्जाम्स दी है। एंड अभी हम लोग आ गए हैं वापस, अभी विद्यानगर से हम लोग जा रहे हैं सीधा, तो ये फिर आनंद की ओर का जो रास्ता होगा ना उसी साइड पे हम लोग अभी निकल जाएंगे। तो ये वाला जो रास्ता है पहले उसमें आएगा डीमार्ट, तो ये आ गया डीमार्ट। अभी इसके बाद में हम लोग चले जाएंगे तो ये डीमार्ट से सीधा जाने पे ना एक रास्ता कनेक्ट होता है लेफ्ट साइड पे, तो वही जाता है आनंद सीधा, तो उसी रास्ते पे हम वापस चले जाएंगे दूसरे रास्ते से। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। एंड अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज अच्छी कमेंट करना कि ये कैसा लगा वीडियो। सो या गाइस बाय।